एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज आरती मिश्रा, वन ऑफ द टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, विच इज़ अबाउट मुगल्स। आप इस सतीश चंद्र बुक की समरी में देख रहे हैं मुगल एम्पायर की हिस्ट्री, और अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सतीश चंद्र की, जो आपकी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला लेसन। तो गाइस, आपको मैं एक और चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारा एक अन अकेडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव हो रहा है। तो ये है क्या, इसमें आपको एक ऐसा दिन है जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट जो टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी सीएससी के, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और 10 टॉप एजुकेटर्स भी हैं। तो 14 आइकॉनिक टॉपर्स एंड टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो 10 टॉप एजुकेटर्स आएंगे। ये जो है ये बिल्कुल फ्री सेशन है, और इसमें आपके साथ जो है होंगे प्रदीप सिंह AIR 1, प्रतिभा वर्मा AIR 3, विशाखा यादव AIR 6, एंड देन अभिषेक सरफ है AIR 8, निधि बंसल होंगी AIR 23, एंड ओम कांत ठाकुर AIR 52। तो ये सभी टॉपर्स हैं, और खुद ये आपको बताएंगे कि हाउ दे क्रैक देयर एग्ज़ाम एंड किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी और क्या क्या वो कर रहे थे। तो ये आपकी यूपीएससी सीएससी लर्निंग को काफ़ी ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, चैट पर कर पाएंगे, क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप देख सकते हैं बाकी के और कौन कौन से हमारे जो हैं ये सभी टॉप स्पीकर्स हैं। तो ये सभी टॉपर्स हैं, राइट। ये सभी आपके साथ रहेंगे, और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे टॉप 10 एजुकेटर्स हैं वो भी यहाँ आपके साथ हैं, एंड दे विल ऑल्सो डिस्कस थिंग्स विद यू। तो ये सभी लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो इवेंट है इसमें बताया जाएगा कि भाई कैसे यूपीएससी को क्रैक करना चाहिए, जर्नी कैसी रही इनकी सक्सेस की, ये आपको टिप्स देंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे, प्लान बी क्या हो सकता है, क्या बैकअप रह सकता है। तो ये आपको बताया जाएगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, ये होगा। और बाकी की जो डिटेल्स हैं, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें आ सकते हैं और अन अकेडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव के सारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैं कहूँगी दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर यू। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इसको। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम मुगल्स के बारे में जानेंगे, बेसिकली मुगल्स के राइज के बारे में जानेंगे, जो कि बाबर से शुरू होता है। ओके, सो लेट मी चेक इफ आई एम लाइव और नॉट। गाइज, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, प्लीज सेंड मी अ हाई और हेलो प्लीज। एंड आप मुझे इस वीडियो को जो है एक बार लाइक कीजिए, लाइक द वीडियो इफ यू कैन सी मी। ग्रेट ग्रेट, यस, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू, गुड टू सी यू ऑल। तो हमारा ये जो सेशन है, इसमें आप जानते हैं कि हम काफ़ी लंबे समय से एक ये सीरीज कर रहे हैं, एंड यस, हाय काजल एंड हाय तुषार। अच्छा, वॉइस कम आ रही है, एक मिनट, अभी मैं थोड़ा और पास करती हूँ अपने सिस्टम को। अभी आप चेक कीजिए, अभी वॉइस ठीक आ रही है, आई होप अभी इट इज़ फाइन। प्लीज़ चेक नाउ, लेट मी नो। अभी तो वॉइस वगैरह सही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। मैं विजिबल हूँ बट वॉइस नहीं आ रही है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है।
थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि वॉइस थोड़ी सी हल्की आ रही है. एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ अपनी तरफ से, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. यस हाय गाइस, आई होप नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू परफेक्टली. अभी सारा स्लाइड्स वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से विजिबल है? अभी वॉइस ठीक आ रही है? देख लीजिए एक बार आप अपने साइड से, मैंने इंक्रीज कर लिया है वॉल्यूम. ठीक है, अब ठीक है. चलिए गाइस, तो वॉइस जो है अब सही हो गई है, और आप जो है इंक्रीज कर लीजिए अपने तरफ से वॉइस को अपने अपने सिस्टम पे, आप जैसे भी देख रहे हो अपने फ़ोन से या लैपटॉप से. ठीक है, तो आप उस हिसाब से इंक्रीज कर लो अगर आपको कम लगती है तो वॉइस. और वैसे मैंने अपनी तरफ से वॉल्यूम फुल कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा. तो हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रहा है तो आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम करेंगे तो नहीं आएगा फिर. ओके चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं बाकी सारी चीज़ें बाद में, और डिटेल्स तो चलती ही रहेंगी, ये तो सिलसिला होता ही रहता है. बहुत सारे आपके डाउट्स एंड ये वो हम लेंगे, तो क्लास के एंड में वी विल डिस्कस अदर थिंग्स. सो मुगल एम्पायर का राइज कैसे हुआ है? तो ये जो पूरा फाउंडेशन रखा गया ये बाबर के द्वारा रखा गया. तो बाबर जो हैं ये 1526 में आए, और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोधी. तो 1526 से 1530 के बीच में ही ये रूल करते हैं. तो केवल 4 ईयर्स का छोटा सा रूल था इनका, 4 साल का एकदम छोटा सा शासन था. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखी थी. और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फाउंडेशन रखने में इतने व्यस्त थे, और इनिशियल इन्होंने सारा इतना वर्कलोड संभाला था कि ये कोई आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए. देखो एक ना सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है. जब भी आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कोई रूलर है जो आर्ट एंड कल्चर को बहुत पैट्रोनेज दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेकर के बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, तो वो तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. अगर पॉलिटी स्टेबल नहीं होगी, और अगर जो है राजा को हमेशा डर रहेगा अपने शासन को बचाए रखने का, या उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में रहना है, तो बहुत सारे जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आर्ट एंड कल्चर के लिए डेवलपमेंट करना या आर्ट एंड कल्चर को पैट्रोनेज देना मुश्किल हो जाता है. तो पॉलिटी आपकी स्टेबल होनी चाहिए पहली चीज़. जब पॉलिटी स्टेबल होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमी राइज करती है, और पैसा आता है. क्योंकि पैट्रोनेज देने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए. राजकोष अगर राजा का खाली रहेगा तो वो क्या पैट्रोनेज देगा? तो पहले तो राजकोष भरा हुआ होना चाहिए कि भाई टैक्सेस आ रहे हैं, रेगुलर रेवेन्यू आ रहा है, और सारा मेंटेनेंस हो रहा है. फिर जो एक्स्ट्रा पैसा बचा तो उससे हमने कुछ पैट्रोनेज दे दिया, कुछ चीज़ें करवा ली. ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें एक लग्जरी है. तो इकोनॉमी तभी राइज होगी जब पॉलिटी स्टेबल होगी. और इकोनॉमी जब राइज होगी तो जिस भी समय में इकोनॉमी राइज होगी, आप देखेंगे कॉइन्स बहुत अच्छे वैरायटी के आएंगे, सोने के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारा वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारा जो है लिटरेचर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस डेवलप हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ना डेवलप होती है तब जब राजकोष हो, राजकोष में कुछ होना चाहिए तभी होगा. तो अब भाई जब बाबर आए हैं तो बाबर तो एक मतलब इनिशियल फेज में सारा कुछ शुरू ही कर रहे हैं. तो जो बंदा शुरुआत कर रहा है उसके कंधे पे ऑलरेडी बहुत बोझ होता है. अब वो एक्सपेंशन करने के बारे में सोचेगा तो उसके पास ना तो इतना समय होता है, ना इतना पैसा होता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन दे. ठीक है, लेकिन बाबर ने जो है मुगल एम्पायर को शुरू किया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी नींव इन्होंने डाल दी थी.
इनका ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, एंड ये जो है तैमूर से रिलेटेड है। तैमूर कौन है? लास्ट भी मैंने एक बार ही आपको तैमूर के बारे में बताया था, आई होप यू रिमेम्बर। तैमूर के बारे में हमने कब बात की थी? जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे। तो जब फिरोज शाह तुगलक का रूल हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक जो कि नोबल्स के अंडर कंट्रोल में रहते थे, उस समय में तैमूर का इन्वेशन हुआ था इंडिया में। और तैमूर के इन्वेशन के बाद जो है बहुत ज़्यादा लूटा गया था दिल्ली को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। और तैमूर जो हैं वो इनके फादर की साइड से थे, मतलब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मान लो उनको, तो वो उनके फादर की साइड से थे। और चंगेज़ खान जो हैं वो मदर के साइड से थे, तो चंगेज़ खान भी इनके जो है एंसेस्टर्स में आ रहे हैं। तो बाबर जो है वो चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज के हैं, चंगेज़ खान मदर साइड से, ठीक है, माँ के साइड से। तो ये अपने जो है ना बाबर हैं जो, और बाकी जो मुगल्स हैं वो अपना ना पूरा जेनियोलॉजी दिखाने के लिए अपना एक पिक्टोग्राफिक फैमिली ट्री बनाते थे। उस पिक्टोग्राफिक फैमिली ट्री में ये पेंटिंग करवाते थे जब, तो उसमें ये हमेशा ही अपने आप को तैमूर का वंशज से दिखाते थे। दे नेवर वॉन्टेड देम अस टू रिमेम्बर एज दी यू नो लीनियज ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का एक्चुअली नाम बहुत जो है थोड़ा सा बाबरस था, कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा जो है क्रूएल से हैं, किलिंग नेचर के हैं। तो चंगेज़ खान मंगोल्स, इनकी ना इमेज अच्छी नहीं है। तो हिस्टोरिकली दे ऑलवेज वॉन्टेड दे मस्ट टू यू नो रिमेम्बर कि हम उनको एकदम ऐसे माने कि भाई वो तो तैमूर के वंशज के हैं। तैमूर का नाम एक फेमस, एक पॉपुलर रूलर के रूप में देखा जाता है ईरान साइड में, सेंट्रल एशिया की साइड में। तो उस तरीके से तैमूर ने एक्सपेंशन किया था, इसीलिए दे ऑलवेज वांटेड देम कि हम लोग जो इनको ऐसे तैमूर के हिसाब से करें। अच्छा, मिलिट्री कंक्विस्ट देखिए इनके। होता क्या है कि जब बाबर इंडिया आए हैं तो उस समय में भारत में 5 प्रोमिनेंट हैं मुस्लिम रूलर्स और 2 प्रोमिनेंट हैं हिंदू रूलर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 प्रमुख मुस्लिम रूलर्स कौन कौन हैं? दिल्ली के सुल्तान हैं जिनके साथ बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इब्राहिम लोदी। गुजरात के सुल्तान हैं, मालवा के सुल्तान हैं, बंगाल के सुल्तान हैं और डेक्कन सल्तनत में सुल्तान हैं। तो ये लोग थे। और 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स कौन हैं? 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स में है राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड विजयनगर एम्पायर। तो अब ये जो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ वाले हैं, ये मेवाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेवाड़ अपने यू नो सर जो है झुकाने के लिए तैयार नहीं होता। कहते सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। तो मेवाड़ के साथ इनका आगे युद्ध भी होगा। पृथ्वीराज चौहान जो हैं, सॉरी नॉट पृथ्वीराज चौहान, एक्चुअली मेरे मुँह से पृथ्वीराज चौहान निकल गया। एक्चुअली लास्ट में दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, अभी तक मेरे दिमाग में वही सारे कैरेक्टर्स घूम रहे हैं। नॉट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। महाराणा प्रताप जो हैं ये मेवाड़ के रूलर थे। आगे जा करके अकबर के समय में इनका युद्ध होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो वो हल्दी घाटी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि वो क्या बैटल थी और कैसे कैसे हुआ था। तो उस टाइम में अकबर थे और महाराणा प्रताप थे। तो मेवाड़ जो है ना लास्ट टाइम तक, मतलब सारे राजपूत रूलर्स जो थे ऑलमोस्ट सबने अकबर के सामने सर झुका लिया था और मुगलों से दोस्ती कर ली थी। क्योंकि देखो, दुश्मनी तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो दोस्ती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुगल्स थे बहुत पावरफुल। तो फिर लगा कि चलो दोस्ती ही कर लेते हैं, तो दोस्ती करके वो लोग जो है साथ में रहने लग गए थे। लेकिन मेवाड़ जो है वो नहीं कर रहे थे दोस्ती, और इन्होंने बोला कि नहीं, हम तो दोस्ती नहीं करेंगे। तो खैर, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और विजयनगर एम्पायर का क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये खुद ही डिक्लाइन हो जाता है। तो अराबिदु डायनेस्टी जो है लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं, वीक सक्सेसर होते हैं, तो फिर ये ऑक्यूपाई हो जाता है एरिया। और बेसिकली जब पोर्तुगीज़ आ गए हैं तो पोर्तुगीज़ भी अपनी तरफ से फैल रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है 1526,
आप ये मान के चलो कि यूरोपियंस पहले आए हैं मुगल से। एक्चुअली जब हम लोग मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है दिल्ली सल्तनत, तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग मुगल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन बीच में यूरोपियंस पहले ही आ गए थे। बल्कि यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी है, पोर्तुगीज़ का एडवेंट तो हो चुका है ऑलरेडी, वास्को डी गामा पहुँच चुके हैं और वो लोग अपना फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, उनके गवर्नर्स अपना काम करने में लगे हुए हैं, तो वो लोग जो है विजयनगर एम्पायर का पार्ट जो है वहाँ पे धीरे धीरे फैलने लगेंगे। तो 1525 के अंत तक होते होते हुआ क्या कि जो बाबर हैं ये काबुल से स्टार्ट करते हैं, अफगानिस्तान साइड से आए थे, उसके बाद इंडिया को इन्होंने कंकर करना था। तो पहले तो लाहौर बहुत ईजीली इन्होंने ऑक्यूपाई किया, क्योंकि लाहौर में इनको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दौलत खान लोदी था ना लाहौर का गवर्नर, वो बहुत आसानी से हार जाता है। तो अब क्या हुआ, आगे बढ़े, एक बार मैप में देखिए और अच्छे से समझेंगे आप। ये आप देखिए, ये पहले समरकंद में रूल कर रहे थे, फिर काबुल आए, उसके बाद फिर लाहौर आए, उसके बाद यहाँ फिर पानीपत में इनकी लड़ाई हुई, फिर अपने बेटे को आगरा भेजा कि जाओ भाई आगरा को जाके कैप्चर करो। ठीक है, तो ध्यान से इस मैप को देखेंगे और ज़्यादा क्लियरली समझेंगे फिर आप। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एवरीथिंग। ये बाबर तक का पार्ट कवर हो गया है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कुछ पूछना चाहते हैं अगर तो। मैं जो है बीच बीच में जब डिस्कशन करती हूँ तो कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, बट मैं फिर बाद में अलग से ओपन करके देख लेती हूँ, तो अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, हेलो, नमस्ते गाइस, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो दिख नहीं रहा है अभी तक मुझे, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब हम लोग जो है मुगल एम्पायर का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक इसका राइज देख लिया कि मतलब कैसे ये स्टार्ट हो रहा है, तो बाबर से हमने देखा। अब हुआ ये कि ये फिर दिल्ली की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं, तो इनकी लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के बीच में हुई और इनके बाबर के बीच में हुई। तो अब जो है यहाँ पे इस लड़ाई में जाहिर सी बात है लोधी डायनेस्टी के ये रूलर जो थे इब्राहिम लोधी, ये हार जाते हैं। तो ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को। तो होता क्या है कि इब्राहिम लोधी वॉज वेरी एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन, ये बड़े एरोगेंट थे और ये ना हमेशा बहुत ही ज़्यादा सबका मजाक बनाते रहते थे, तो जैसे होते ना बिगड़े हुए नवाब टाइप, तो वैसे थे ये इब्राहिम लोधी। इनसे सभी लोग बहुत दुखी आ गए थे, मतलब एक तरह से आप कहो कि इमोरल काइंड ऑफ पर्सन थे ये। अब इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसीलिए दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट भी किया था, ऐसा कहा जाता है। और जब ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई तो ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक बैटल है। देखो पानीपत की जो तीनों बैटल्स हैं ना, वो तीनों बहुत हिस्टोरिक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो मैंने आपको बताया, बाकी बताओ और किस किस के बीच में हुई थी। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल किस किस के बीच में हुई थी, डू यू नो? देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। सेकेंड बैटल एंड थर्ड बैटल, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई आपकी अकबर के और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है मराठा एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट अफगानी बंदा था जिसके साथ लड़ाई होती है, डू यू नो हु विल टेल मी द राइट आंसर। चलो ये लास्ट का आप बताओ, तीसरा वाला मराठा का किसके साथ हुआ था युद्ध, सबसे पहले सही आंसर कौन देगा? ओके, हाँ अफगान आर्मी थी, बट कौन उसको लीड कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी भी कह सकते हैं, ठीक है, अहमद शाह। तो कौन जीता था, अहमद शाह जीत गया था थर्ड बैटल में, ठीक है, और यहाँ पे बाबर जीते थे, यहाँ पे अकबर जीते थे। ओके राइट, तो गाइज अगर आप लोग मेरी क्लासेस एंजॉय करते हो तो आपको पता ही है कि ये सीरीज खत्म होने वाली है। फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई न्यू सीरीज लेके आऊं, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके, ताकि पता चले कि हाँ स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, आरती मिश्रा मैम के लेसन्स देखना चाहते हैं, तभी तो फिर मुझे लेसन्स लेने के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा, राइट। यस, तो यहाँ पे एक चीज़ पूछी है,
काजल शेजावर ने कि मैम इब्राहिम लोदी वॉज ग्रैंडसन ऑफ सिकंदर लोदी. यस एक्चुअली यस. यहाँ पे क्या है, पहले तो आपके जो है बहलूल खान लोदी आए थे, फिर सिकंदर लोदी आए थे, फिर इब्राहिम लोदी आए थे. तो इब्राहिम लोदी जो है वो उनके उत्तराधिकारी बने, क्योंकि इब्राहिम लोदी वॉज द वन जो कि उस चीज़ को संभाल सकते हैं एंड जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. और आपने यहाँ पे एक चीज़ जो बोली है ना कि सिकंदर लोदी के ग्रैंड सन, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग. फादर थे वो, ठीक है, ग्रैंड फादर थे. ग्रैंड फादर नहीं, फादर थे, मतलब सिकंदर लोदी वॉज द फादर. तो ही वॉज नॉट द ग्रैंड सन, बट ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी, आप कह सकते हो. ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी. इनके जो है फादर का नाम था सिकंदर लोदी. ओके हाँ, प्रंजलि ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, अहमद शाह अब्दाली वाला. वेल डन, ग्रेट पंच प्रंजलि. ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस. तो यहाँ तक का डिस्कशन हमारा ये रहा कि भाई ये जो लड़ाई हो रही है 21 अप्रैल 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसमें जो है बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं. इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया और मारा गया. और इसके बाद बाबर की एक बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन बाबर की इतनी बड़ी सक्सेस हुई कैसे? यहाँ पे दो बातें डिस्कस करेंगे कि सारे जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो पानीपत में क्यों हो रहे हैं. ठीक है, इतनी सारी हिस्टोरिक जो बैटल्स लड़ी गई हैं वो पानीपत में ही क्यों, और बाबर की सक्सेस के पीछे का रीज़न क्या है? तो पहली बात देखो, पानीपत में इसलिए क्योंकि जो पानीपत है उसकी आप लोकेशन देखिए, मैं आपको ना कलर चेंज करके दिखाती हूँ पेन का. ये देखो आप पानीपत की लोकेशन, ये हो जाता है दिल्ली के बाहर. ठीक है, दिल्ली जो कैपिटल है जस्ट उसके बाहर इसकी लोकेशन है. तो पानीपत जो है ना, यहाँ पे अगर लड़ाई होती है तो एक तो बहुत अच्छा बैटल ग्राउंड था यहाँ पे, खाली खाली पूरा बैटल ग्राउंड था, और दोनों तरफ की आर्मी को ना वॉर इक्विपमेंट्स मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नियर बाय मार्केट एरिया था वहाँ पे सारा इक्विपमेंट वगैरह सामान की सप्लाई होती थी. और जब भी बारिश का मौसम है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती थी, तो कम बारिश होती थी, कीचड़ वीचड़ नहीं होता था, तो लड़ाई लड़ने के लिए मतलब एक जो है अच्छी एक ग्राउंड बन जाती थी यहाँ पे. और जब लड़ाई होती थी तो इससे कैपिटल जो है वो अपना डिफरेंट जो है सेफ रहता था, कोई कैपिटल के अंदर घुस भी नहीं रहा है, और बिना कैपिटल में घुसे ही लड़ाई हो जा रही है. तो इसीलिए पानीपत को चूज़ किया जाता था. और बाबर की सक्सेस हुई थी दो कारण से, एक तो बारूद और दूसरा उनके घोड़े, कैवेलरी एंड आर्टलरी. इनके पास ना बारूद था, बारूद का इन्होंने पहली बार ही बहुत बढ़िया यूज़ किया था. तो वो जो बारूद का इन्होंने यूज़ किया था वो इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनता है, और इनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे. तो बाबर ने फिर दिल्ली को ऑक्यूपाई किया और अपने बेटे को जो है भेजा हुमायूं को कि तुम जाओ और आगरा को सीज करो. ही सेंट हिज सन हुमायूं टू सीज आगरा. और बाबर ने जो है अपने आप को जो है एक जो है टाइटल दिया यहाँ से, और कहा कि अब से मैं जो है हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. और बाबर ने ये सारी बातें जो है वो उन्होंने अपनी एक मेमोयर में लिखी है, उनकी एक रचना है जिसे हम कहते हैं तुजुक के बाबरी. तुजुक के बाबरी जो है, ये तुजुक जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाबर ने तुर्की लैंग्वेज में सारा पूरा अपना जो एक रूलर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपने इनिशियल स्ट्रगल्स का पूरा जो है पूरी व्याख्या लिखी है, और खुद अपनी खुद की लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इन्होंने लिखा है. और सब कुछ इन्होंने बताया, सारा डिटेल इन्होंने दिया है कि भाई मैं कैसे जो है आया और क्या क्या किया, कैसे मतलब जो है मैंने शासन जीता, क्या क्या मेरे चैलेंजेस रहे, हर चीज़ इन्होंने लिखी है. तो इसमें बहुत बड़ा अकाउंट देखने को मिलता है खुद बाबर की लाइफ का, और इंडिया के बारे में भी. तो इंडिया के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा एक अकाउंट है तुजुक के बाबरी. तो बाबर की ये रचना थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद इनके बेटे थे हुमायूं. तो हुमायूं जो है इनकी सबसे बड़ी लाइफ में गलती ये रही कि इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को भाइयों के बीच में बांट दिया,
और यही इनके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि इनके भाइयों ने कभी इनका साथ ही नहीं दिया। ठीक है, तो हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स, बट दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लंडर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर रहा। तो कामरान जो है वो उनको जो है काबुल और कंदाहर का इलाका दे दिया गया, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो कामरान को दे दिया गया। ठीक है, और संभल एंड अलवर का जो इलाका है वो अस्कारी और हिंदल को दे दिया गया। तो अब जो हुमायूं हैं ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक बार की बात है, हुमायूं जो है वो बहुत बिजी थे अफगान से लड़ने के लिए इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे अफगान से इन द ईस्ट, अफगान तो अफगानिस्तान में होगा, तो अफगानिस्तान तो वेस्टर्न साइड में है, तो ये ईस्ट में क्यों? देखो, अफगान इन द ईस्ट मतलब कि कुछ अफगानी रूलर्स थे जो कि भारत के ईस्टर्न पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना अफगान्स आ चुके थे और वो फैल रहे थे, वो डेवलप हो रहे थे, तो इनके साथ लड़ाई होती है हुमायूं की ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इसीलिए अफगान इन द ईस्ट लिखा हुआ है। तो हुमायूं वॉज बिजी विद द फाइटिंग, और जब वो लड़ रहे थे तभी उनको ये क्या न्यूज़ आई कि जो बहादुर शाह है गुजरात का वो दिल्ली पहुंच रहा है। ठीक है, बहादुर शाह जो है वो दिल्ली की तरफ प्रोसीड कर रहा है, बहुत ही जल्द हुमायूं की जो गद्दी है उस पे वो कब्जा करने वाला है। जैसे ही हुमायूं को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि भैया मैं अफगानियों से तो बाद में निपटूंगा, पर पहले मैं जाके अपना शासन जो है, अपना सिंहासन जो है उसको तो संभाल लूं, क्योंकि हुमायूं जो है वो अगर यहाँ लड़ते रहेंगे और उधर से उनका खुद का ही जो उनकी जो खुद की सत्ता है दिल्ली है, अगर वही उनके हाथ से चली गई तो क्या फ़ायदा। तो अब जल्दीबाजी में उन्होंने बोला कि अब तो ये लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी, तो अब ऐसे तो आप लड़ाई छोड़ के आ नहीं सकते। अब जो लड़ाई अगर हो रही है और अगर आपको उस लड़ाई से निकलना है, लड़ाई छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक संधि करनी पड़ेगी। तो जल्दीबाजी में यहाँ पे इन्होंने कर ली संधि, और ये जो संधि होगी, जाहिर सी बात है कि जो शेर खान है अफगान लीडर, जिन्हें हम शेर शाह या शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, ये उनके फेवर में होगा, क्योंकि देखो संधि करने के लिए मजबूरी किसकी है, कौन मजबूर है यहाँ? हुमायूं मजबूर है, तो हुमायूं तो इस टाइम में ज़्यादा नेगोशिएट कर नहीं पाएगा ना। जो मजबूर होता है इंसान वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है, उसको मजबूरी में जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसको लेकर के संतुष्ट होना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने कर लिए ट्रीटी। तो जो अफगान लीडर हैं शेर खान, जिनको हम लेटर शेर शाह या शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, वो अब गुजरात की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब जो है इनसे इन्होंने मतलब ट्रीटी की, और उसके बाद जो हमारे हुमायूं हैं वो गुजरात की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो गुजरात में गए और गुजरात में जा करके उसको कैप्चर किया और बहादुर शाह को समझा दिया कि देखो तुम दो है, तुम जो है अपने थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि जिस तरीके से तुम ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये बहादुर शाह को किसकी बैकिंग मिल रही थी जो ये इतना जो है कॉन्फिडेंस में था? कोई ना कोई तो होगा बहादुर शाह के पीछे, इसको किसी ना किसी की तो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जो है हुमायूं को टक्कर देने निकला है तो कुछ तो बात है। तो बहादुर शाह की दोस्ती किसके साथ थी? लास्ट क्लास में कल हमने कवर किया, बताइए जो जो लोग कल आए थे वो लोग तो सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, यस, सुजुकी बाबरी, राइट आंसर आदर्श, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम काजल, कोई बात नहीं, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है अब तो। चलिए बताइए, मैं तब तक पानी पीती हूँ, आप थोड़ा मुझे बताइए किसको बहादुर शाह की दोस्ती मिली हुई थी? प्रांजलि, राइट आंसर, प्रांजलि ने सही बताया, पोर्तुगीज। लेकिन फिर बाद में पोर्तुगीज क्या करते हैं इनके साथ? ये दोस्ती बाद में दुश्मनी में बदल जाती है जब बहादुर शाह बोलते हैं कि हम गुजरात में दीवार खड़ी करेंगे।
यस एक्चुअली होता क्या है कि जो बहादुर शाह हैं, हाँ, इनको दावत में बुला के मार डाला था। यस राइट आंसर काजल, बिल्कुल सही। तो काजल ने सही आंसर दिया है। चलो काजल, आप रेगुलर आ रहे हो तो इसका कुछ फायदा हो रहा है। रेगुलर आने से क्या है, रिवीजन भी हो रहा है और आप एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हो। तो सभी को रेगुलर आना चाहिए। क्या होता है ना, ये सिर्फ मैं अपनी क्लास के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। जैसे आप कोई ऑनलाइन सीरीज करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग काजल से सीख सकते हो कि शी इज़ लाइक, कि जब वो एक सीरीज ज्वाइन करती है तो वो फर्स्ट डे आई है तो सेकेंड डे आएगी, टाइम पे वो आ जाती है और टाइम पे फिर वो पूरा ख़त्म करती है। इससे क्या होता है कि आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं होती, आपका रिविज़न होता है, आपका सिलेबस पूरा ख़त्म होता है। लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन स्टडी में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि स्कैटर्ड है, ये होता है वो होता है, ऐसा है नहीं। एक्चुअली ऑनलाइन स्टडी में आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप एक नॉर्मल डेली बेसिस पे सीक्वेंस में आओगे और कोई भी कोर्स अगर आप एक बार शुरू करते हो उसको पूरा देखते हो टाइम पे, आकर के एक क्लास में आप जो है डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। वेरी नाइस, वेल डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात कर रहे थे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जी जो हैं, इन्होंने गुजरात को कैप्चर किया बहादुर शाह से और बहादुर शाह को जो है बताया कि देखो तुम संभल के रहो, ये सब जो तुम कर रहे हो गलत बात है। और उसके बाद क्या किया, गलती फिर से की। यहाँ पे क्या गलती की, अस्कारी जो इनका भाई था उसको गवर्नर बना दिया गुजरात का। तो अब यहाँ होता क्या है कि अस्कारी यहाँ पे गवर्नर तो बन जाता है, लेकिन अस्कारी बहुत वीक और डरपोक किस्म का इंसान है। तो बहादुर शाह जो है फटाफट वापस आए और एक ही बार में अस्कारी को हराया। अस्कारी वहां से भागे और फिर बहादुर शाह ने अगेन गुजरात को कैप्चर कर लिया। तो इतनी जो इन्होंने खिचड़ी पकाई उसका नतीजा क्या निकला, क्या नतीजा है, हुमायूं गए, उन्होंने गुजरात कैप्चर किया इतने मुश्किल से, फिर वहां पे अस्कारी को बिठा दिया और अस्कारी वहां से भाग गए। तो गुजरात में जो इतना इन्होंने मेहनत की, सारी मेहनत बर्बाद। और दूसरी तरफ जो यहाँ अफगानियों से लड़ रहे थे और जो उनसे ट्रीटी साइन की थी उसके चक्कर में वहाँ पे भी लड़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। अब वो ट्रीटी भी अच्छी नहीं रही थी और इस बीच में फ़ायदा किसको मिल गया, ये सारे जो कन्फ्यूज़न है इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा मिल गया शेरशाह सूरी को, क्योंकि शेरशाह सूरी को टाइम मिल गया। तो शेर खान कह लीजिए या शेरशाह सूरी कह लीजिए, वो पावरफुल हो गए। अब वो ईस्ट में उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। देखो उनको तो पूरा फोकस मिल गया है ना, वो अपना फोकस से काम करेंगे। अब क्या है कि हुमायूं जो है इनके अगेंस्ट मार्च भी करते हैं। बैटल होती है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में और इस बैटल में हुमायूं हार गए। शेर खान ने पूरी तरीके से मुगल आर्मी को डिस्ट्रॉय किया और हुमायूं किसी तरीके से वहां से भागे। अब हुमायूं कहाँ जाएंगे, भाग करके जाएंगे कहाँ, कोई तो होना चाहिए जो इनको हेल्प करे। तो कोई अपना है यहाँ पे भाई, बिल्कुल हुमायूं के भाई है ना, आपको याद ही होगा कि इनके जो ब्रदर्स हैं, दोस्ती की हुई थी इन्होंने भाइयों के साथ और भाइयों को बड़ा हेल्प करते थे हमेशा। जब भी कुछ होता था तो भाइयों को सबसे पहले याद करते थे हुमायूं। लेकिन इनके जो भाई हैं वो इनका साथ नहीं देते, इनके जो भाई हैं वो असल में इनका साथ नहीं देते हैं और ये हेल्प नहीं करते हैं हुमायूं की। तभी तो हम कहते हैं ना कि हुमायूं ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, अपने भाइयों पे उसने अंधा भरोसा किया था। ठीक है, तो ये भागे भागे गए आगरा। आगरा में अपने भाई से पूछा कि भाई देखो तुम मेरा साथ दो, थोड़ा चलो मेरे को हेल्प करो, मेरा शेर खान ने पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो इनके भाइयों ने बोला कि नहीं भाई, हम तो ये सब नहीं कर सकते, ये लोग कॉपरेट नहीं करते। तो हुमायूं के पास अब क्या रास्ता बचा था, उन्होंने बोला ठीक है, अगर ये लड़ाई में कोई मेरा साथ नहीं देता तो मैं अकेले ही चलूंगा और अकेले अगली बार लड़ लूंगा। दोबारा हुमायूं ने कोशिश की। देखिए हुमायूं जो है ना, एक चीज़ बहुत अच्छी है हुमायूं से सीखने के लिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है, उनका मनोबल तोड़ना आसान नहीं था, उनका विल पावर बड़ा स्ट्रांग है। बार बार हारते थे और बार बार वापस आ जाते थे ये, मतलब कभी भी इनके ऊपर अटैक होता था तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि
बंदा प्रेशर में आ जाएगा या जो है परेशान हो जाएगा। देखो जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े अंदर से नाराज़ हो जाते हैं कि क्या मैम आप इनको ग्लोरीफाई कर रहे हो एंड ऑल। देखिए मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, इसको आप रिलीजियसली मत देखिए। अगर कोई बंदे के अंदर कुछ भी अच्छा, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हैं, चाहे वो अशोका हों, चाहे वो अकबर हों, कोई भी हो, अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तो उस पर्सनैलिटी की क्वालिटी को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी शुड डिस्कस दैट। तो आप इसको जो है एज अ यू नो न्यूट्रल स्टूडेंट की तरह थोड़ा सा समझेंगे तो आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। अगर आप इसको रिलीजियसली देखोगे तो आपको फिर सुनने में मज़ा नहीं आएगा, आपको अंदर से कुछ और आप सोचते रहोगे फिर। तो डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक कि भाई हुमायूं का विल पावर देखिए कैसा है। अभी इनके भाई भी इनका साथ नहीं दे रहे, आर्मी के नाम पे कुछ भी नहीं है, पैसे के नाम पे कुछ नहीं है, और बंदा फिर भी शेर खान से लड़ने चला गया। लेकिन देखो जोश में होश नहीं होना चाहिए, लड़ने तो चले गए लेकिन हारना तो जाहिर सी बात है हारना तो था ही, क्योंकि जब ये अकेले लड़ने गए, ये बैटल ऑफ बिलग्राम थी 1540 की ये बात है, इसको जो है बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। इस बैटल में हुआ ये कि हुमायूं बहुत बुरी तरीके से हारे, क्योंकि हुमायूं ने कोशिश तो की, लेकिन देखो आप सिर्फ एम्बिशियस हो पर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए ना, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आर्मी है ही नहीं, तो ज़्यादा ना इनके पास लोग थे, ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना हथियार है, तो हार गए। अब जो ये हारे इस बार तो ऐसा हारे कि अब तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, ना भाइयों के पास जा सकते थे वापस, क्योंकि भाइयों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे, ना इनके पास अब अपना कुछ बचा था, तो अब हुमायूं हो गए अंडरग्राउंड, हुमायूं जो है ना एग्जाइल हो गए। और वो बिल्कुल 15 साल तक कुछ पता ही नहीं है कि हुमायूं का है, किसी को नहीं मालूम था, मतलब हुमायूं जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, वो एकदम छुप गए। उनको जो है अपनी प्लानिंग करनी थी, उनको हेल्प चाहिए थी, एक्चुअली वो ना हेल्प चाहते थे कि कोई तो उनकी मदद करे, क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी थी, वो वापस आना चाहते थे, दोबारा से मुगल डायनेस्टी को शुरू करना चाहते थे, अगेन मुगलों का जो एक यू नो शासन है उसको दोबारा से रिन्यू करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए इनको मदद की ज़रूरत थी, और वो मदद इनको इनके भाई नहीं दे रहे थे, तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें। तो अब हुमायूं एग्जाइल हो गए हैं, और 15 साल हुमायूं कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो इस 15 साल में क्या हुआ, जब मुगल नहीं है तो भारत में कौन है? इस 15 साल के बीच में 1540 से 1555 जब हुमायूं गायब हो गए हैं, तो उस समय में कौन था जो यहाँ रूल कर रहा था, क्या चल रहा था यहाँ 15 साल, 15 ईयर्स? एक बहुत ही बढ़िया शासन शेर शाह सूरी ने किया था, और हर किसी को हरा दिया था। पूरा नॉर्थ इंडिया देखो, आप ये मैप देखो ध्यान से, ये मैप आप देख रहे हो, ये पूरी जो ग्रीन बाउंड्री है पूरा आप देखो, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, अयोध्या, कुमाऊं, कांगड़ा, सिंध, ये सारा इलाका जीत लिया था शेरशाह सूरी ने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत जल्दी। तो यहाँ पे सूर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, हुमायूं के जाते ही शेरशाह ने अपना शासन शुरू किया। शेरशाह का ओरिजिनल नेम था फरीद, और अब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि भाई इसने कैसे हुमायूं को हराया हुआ था, तो हमने देखा है कि हुमायूं भी इनसे बैटल ऑफ चौसा में हारे थे, बैटल ऑफ कन्नौज में हारे थे। अब जो है ये बन गए दिल्ली के रूलर, और 1540 में ये रूल करना शुरू करते हैं। 15 साल का शासन रहा, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, राजपूत इनके जो हैं लड़ते हैं, राजपूतों को हरा दिया, अपना एम्पायर काफ़ी एक्सटेंड किया, पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड, सारा इलाका इनके अंदर था, और इनके एम्पायर में पूरा नॉर्थ इंडिया था, मतलब असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़ करके, असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़ करके पूरा था इनके अंदर। यहाँ पे देखो आप, ये असम जो है इसके अंदर नहीं है, कश्मीर इनके अंदर नहीं है, गुजरात इनके अंदर नहीं है, और नेपाल इनके अंदर नहीं है, ठीक है? इन चारों इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा इनके पास था। और आप यहाँ देखिए, ये है गजनी, ठीक है, जहाँ पे लास्ट क्लास में मैं आपको बता रही थी ना, गजनी से आ रहे थे
महमूद ऑफ गजनी, फिर मोहम्मद गौरी, तो वो था। और ये आप देखो, ये है काबुल। तो मैप को थोड़ा सा ध्यान रखने से क्या होता है ना कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आगे चीज़ों को समझने में। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आदिल शाह अब्दाली, बीजापुर वाले, ठीक है, ये गोलकोंडा है, ठीक है, यहाँ पे साउथ में देखिए, ये डेक्कन के बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। और नीचे जो है साउथ में विजयनगर एम्पायर चल रहा है, ठीक है, नीचे साउथ में अभी विजयनगर एम्पायर अपना चल रहा है। तो ये मैप को देखोगे अगर, तो आपको ओवरऑल ना पूरी हिस्ट्री और क्लियर हो जाएगी। तो अब शेरशाह सूरी अपना शासन कर रहे थे, शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। हालांकि इन्होंने जो है 5 साल तो रूल किया, उन्होंने ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किया, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इनके पास थे, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज था और लैंड सर्वे इन्होंने करवाया था, ठीक है, और इन्होंने लैंड को अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया था, जैसे कि गुड है या मिडल है या बैड है, कितना कल्टिवेशन हो रहा है, स्टेट का शेयर जो है वो 1/3 होता था ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन, कैश या क्रॉप किसी में भी लोग टैक्स को पे कर सकते थे, इनका जो रेवेन्यू रिफॉर्म है उससे बहुत पैसा इनके पास आया, इन्होंने एक नया सिल्वर का कॉइन जो है दाम उसे शुरू कराया था, और ये सर्कुलेशन में 1835 तक रहा, मतलब शेरशाह सूरी के जाने के बाद भी 1835 तक रहा है। और शेरशाह ने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया था, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज बनवाए थे, इसमें जो है सनोर गांव से सिंध तक का एक हाईवे है, आगरा से ब्रह्मपुर का एक हाईवे है, जोधपुर से चित्तौड़ तक का एक हाईवे है और लाहौर से मुल्तान तक का एक हाईवे है। तो आप समझ सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया हाईवे इन्होंने बनवाए थे। अलग अलग रेस्ट हाउसेज इन्होंने बनाए थे, आश्रम बनवाए थे, और जो है ट्रैवलर्स की कन्वीनियंस के लिए इन्होंने जो है, जैसे पहले कोई ऐसा होटल का सिस्टम तो होता नहीं था, तो पहले रेस्ट हाउसेज में लोग जो है शरण करके आराम करते थे, और पुलिस जो है वो एफिशिएंटली जो है रीऑर्गेनाइज थी, एंड क्राइम बहुत कम हो गया था इनके टाइम में, क्राइम ज़्यादा नहीं था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज था। शेरशाह ने कई सारे आइडियाज़ जो है दिए थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी से लिए हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मिलिट्री रिफॉर्म में क्या किया था, हॉर्सेस की ब्रांडिंग की थी, तो वही काम शेरशाह ने भी किया था, ब्रांडिंग ऑफ दी हॉर्सेस। इससे क्या होता है ना कि इलीगल सेल नहीं होती है, इलीगल सेल जो है हॉर्सेस की नहीं होगी, उसको रोकने के लिए ये किया जाता था। और शेरशाह जो हैं, इनके अगर एस्टिमेट को देखें तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कि थे इस समय में, उन्होंने एक बहुत अच्छी हिंदी वर्क लिखी थी पद्मावत, और ये जो पद्मावत है इसमें जो है वो कहानी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखना चाहते थे। और आफ्टर शेरशाह डेथ 1545 में, एक्चुअली 5 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर इनके सक्सेसर ने रूल किया दिल्ली को, जो कि 1555 तक रहा। उसके बाद फिर हुमायूं वापस आ गए और हुमायूं ने रिकनकर कर लिया इंडिया को। तो हुमायूं वापस कैसे आए, क्योंकि अभी तक तो हुमायूं गायब थे, तो क्या हुआ था हुमायूं के साथ, कहाँ गए थे हुमायूं और वापस कैसे लौटे, किसने मदद की हुमायूं की, कौन था जो हुमायूं का साथ देता है वापस मुगलों को स्थापित करने के लिए, ठीक है, ये अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ तक पहले कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, अभी तक तो मुझे कोई कमेंट्स में डाउट नहीं दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो मैं आपको बता रही थी हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं ने क्या किया था, 1540 में इंडिया छोड़ा था। अब इन्होंने जो है शादी की हमीदा बानू बेगम से, तो हमीदा बानू बेगम से इनकी मुलाकात हुई थी जब ये सिंध की तरफ जा रहे थे, और उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई, ये कुछ समय के लिए अमरकोट में रहे। अमरकोट जो है ना एक हिंदू किंगडम था जिसको राणा प्रसाद रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे ये रहे और यहीं पे अकबर का जन्म हुआ। और अकबर के जन्म होते ही गोल्डन पीरियड मुगल एम्पायर का शुरू होता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड क्यों भाई, क्योंकि अभी तक मुगल एकदम खो गए थे, सब भूल भी गए थे कि मुगल्स थे भाई, शासन हुआ था ये वो, किसी को अब इतना मतलब भी नहीं था। लेकिन अकबर का जन्म हुआ 1542 में, और अब आप देखेंगे कि बिल्कुल हिस्ट्री बदल जाएगी। हुमायूं जो है इसके बाद ईरान गए और वहां पे इनको हेल्प मिल गई,
ईरान से इनको हेल्प मिली, वहाँ के राजा ने इनको मदद की, आर्मी दी, पैसा दिया, रिसोर्सेज दिए, और फिर ये वापस आए। सबसे पहले हुमायूं ने अपने भाइयों को हटाया रास्ते से, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि भाई ही हैं जो कि सबसे बड़े मतलब इनको दिक्कत कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने भाइयों को, कामरान और अस्कारी को, अपने रास्ते से हटाया, और उसके बाद सूर डायनेस्टी को ख़त्म किया। क्योंकि वैसे तो सूर डायनेस्टी खुद ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसको देखा कि डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके कुछ गवर्नर्स वगैरह बचे थे, तो तब तक डिक्लाइन हो ही गया था, तो उसको भी कैप्चर करके हुमायूं ने शासन शुरू किया। तो 1555 में हुमायूं ने जो अफगान्स के बचे खुचे गवर्नर थे उनको हटाया और रिकवर किया मुगल थ्रोन को, और वापस आखिर मुगल्स को स्थापित किया। 6 महीने बाद ही लेकिन हुमायूं की डेथ हो गई, और ये बड़ी अजीब बात है। आप कहोगे ये बंदे की लाइफ में ना मतलब शासन करना, एंजॉय करना मतलब सुख नहीं था कोई। ये बंदा जब से आया मतलब जैसे शासन करना शुरू किया है, तभी से कोई ना कोई दिक्कत रही, कॉन्फ्लिक्ट रहा, बाहर से कॉन्फ्लिक्ट रहा, शेरशाह सूरी का कॉन्फ्लिक्ट रहा, इंटरनली ब्रदर्स साथ नहीं दे रहे हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके साथ रहता ही था। और फिर जो है अब सब कुछ जब सही हुआ तो उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए शासन को, और ये जो इनकी मृत्यु हुई है वो भी बड़ी अजीब तरीके से हुई है, कहते हैं ना मतलब बिल्कुल अनलकी काइंड ऑफ पर्सन, तो ऐसा इनके साथ हो गया था 1556 में जो है ये हुआ। और इनकी मृत्यु हुई क्योंकि ये जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि बड़ी अजीब बात है। अब हाँ जो भी है खैर हुआ। और हुमायूं जो है कहा जाता है कि बहुत बड़े जनरल या वॉरियर तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही काइंड थे, बहुत ही जेनरस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है दान देना लोगों को, बहुत ही काइंड रहते थे ये। और ये बहुत पढ़े लिखे थे, इनको मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी थी, इन्हें पेंटिंग्स का भी बहुत शौक था, और इनको जो है पर्शियन लैंग्वेज में पोएट्री लिखने का भी बहुत शौक था। पर्शियन लैंग्वेज में ये पोएट्री भी लिखते थे, तो इन्होंने हालांकि जो लिखा उनका बहुत सारा वर्क इतना सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हुमायूं को लिखने का बहुत शौक था। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जितने भी आप मुगल्स के बारे में पढ़ोगे ना, आप एक चीज़ देखोगे, इनको ना राइटिंग का जैसे पोएम लिखना, कहानी लिखना, ये सब चीज़ों का ना बड़ा शौक हुआ करता था। ये या तो खुद लिखते थे अपने बारे में, जैसे अपनी खुद की, जैसे इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, या किसी से अपनी बायोग्राफी ये लोग लिखवाते भी थे, तो ये सब चीज़ें करने का इनको बड़ा शौक था। ये लोग प्रिजर्व करना चाहते थे एक्चुअली इंडिया के अंदर जो इनका शासन है, अपने आप को मतलब इतिहास में याद रखवाना चाहते थे, जो कि एक चीज़ हमें पहले इतना देखने को नहीं मिली। एंशंट इंडिया में आप देखोगे कि जो रूलर्स हैं उसमें बहुत ही कम रूलर्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि रूलर्स तो बहुत थे बट बहुत ही कम रूलर्स थे इस तरीके के जो कि ज़्यादा राइटिंग और लिटरेचरस चीज़ों में इतना दिलचस्पी लें। जैसे कुछ तो थे, जैसे कि अब जैसे कि हर्षचरित भी है जो कि हर्षवर्धन की लिखी गई है, तो थोड़ा बहुत है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कम है, लेकिन जितना ज़्यादा मुगलों के टाइम में था उतना किसी ने इस लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर रचनाएं नहीं करवाई थी। तो इनकी कई सारी जो है आपको देखने को मिलेंगी बायोग्राफीज वगैरह। इसके बाद आ गए अकबर। तो अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया। क्यों हम इनको ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डिप्लोमेसी भी बहुत देखी है और बहुत ज़्यादा जो है समझदारी से चल रहे थे। तो इन्होंने जब थ्रोन को सक्सीड किया अपने पिता हुमायूं की डेथ के बाद, तो तब ये बहुत छोटे थे, लाइक ही वॉज अ टीन एजर, 14 ईयर्स के थे ये, बहुत कम उम्र में ही हुमायूं की डेथ हो गई थी। तो अब इनकी पोजीशन बहुत डेंजरस है, क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है उसको अफगानी रूलर हेमू ने सीज कर लिया था, अफगान के ना जो कमांडर इन चीफ थे हेमू, उसने सीज किया हुआ था और हेमू ने चार्ज लिया हुआ था। तो हेमू के साथ इनकी बैटल हुई, इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू को मार दिया गया, और उसके बाद दोबारा जो है अकबर आ गए, ठीक है। और इसमें अकबर का जो साथ है वो उनके जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक गवर्नर ने दिया था, बैराम खान ने। तो बैराम वॉज द वन जो कि अकबर को हमेशा सपोर्ट करते थे, साथ देते थे, लेकिन 5 साल बाद ही अकबर ने उनको हटा दिया था, क्योंकि उनको लगने लग गया कि जो बैराम है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर बैराम को मक्का भेज दिया गया था, लेकिन जो है अपने रास्ते में ही
बैराम जो है उनको मार दिया गया था, अफगान्स ने बैराम को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अफगानी सोचते थे कि जो बैराम है वो जो है मेन है, जो कि अकबर के पीछे रहता है, अकबर का वही है जो अकबर का राइट हैंड है। और फिर अकबर ने जो है आगे अपने काफ़ी मिलिट्री कंक्वेस्ट किए, चीज़ों को संभाला और अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी ली। इन्होंने जो नदर्न इंडिया है उसको कंकर किया, आगरा से लेकर गुजरात तक का पूरा कैप्चर किया, आगरा टू बंगाल पूरा कैप्चर किया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसको भी इन्होंने स्ट्रेंदन किया। डेक्कन का एरिया जो है वहाँ तक ये चले गए थे, साउथ तक जाने की इन्होंने कोशिश की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो येल्लो येल्लो पार्ट देख रहे हो आप, ये सारा अकबर का जीता हुआ है। पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, ये पूरा हिंदुस्तान का इलाका, ये सारा का सारा अकबर के अंडर था। ऑल दीज यू नो एरियाज वर अंडर हिम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फिर जो है बैराम को तो मार दिया गया था, फिर अकबर ने देक्कन तक जो है जाने की कोशिश की। फिर आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये जो रेड रेड पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, जो ये ब्राउन कलर से है, ये एक्सपेंशन किया था शाहजहाँ ने, ठीक है, और औरंगज़ेब ने। तो शाहजहाँ और औरंगज़ेब थे जो कि ये बीजापुर के सुल्तानों को और सबको हराएंगे, गोलकोंडा, बीजापुर, इन सबको अपने अपने अंडर कंट्रोल में फिर ये लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे, बेसिकली काफ़ी बढ़िया रहेगा ये। तो यहाँ तक का हमने जो है काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो एक पार्ट और कवर कर लेती हूँ मैं, फिर देन आई विल एंड द सेशन। एक बार मैं अकबर तक का ना पार्ट पूरा पढ़ा देती हूँ आपको, तो उसके बाद फिर जहांगीर और औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अकबर आपको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो बेसिकली इनके राजपूत के साथ जो रिलेशन थे ना वो बहुत अच्छे थे। अकबर की खास बात ये थी कि इनको पता था कि अगर राजपूत एक हो गए, क्योंकि अब एक्चुअली है क्या कि राजपूत ना आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अगर राजपूत एक हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि राजपूत बहुत ब्रेव थे और बहुत ऑनेस्ट भी थे, अपने बात के बड़े पक्के थे। तो राजपूतों को गुस्सा अगर दिलाया और अगर राजपूतों के अंदर यूनिटी आ गई, तो हर कोई जानता था कि फिर इंडिया पे रूल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो अकबर जानते थे कि ये राजपूत आपस में लड़ते हैं और बहुत ब्रेव भी हैं, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है। तो अकबर ने जो है डिप्लोमेसी का सहारा लिया, राजपूतों के साथ अच्छी दोस्ती की, क्योंकि राजपूत अपने वादे के पक्के होते थे, अपनी बोली के पक्के होते थे, अपने जुबान के पक्के होते थे और बहुत ब्रेव होते थे। तो इनकी जो राजपूत की जो पॉलिसी थी वो बड़ी नोटेबल है यहाँ पे। अकबर ने राजपूत प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजा भरमाल से भी शादी की थी, और राजा भगवान दास, राजा मान सिंह जैसे हिंदुओं को बहुत ही सीनियर पोजीशन पर इन्होंने रखा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप देखोगे कि इस समय में इंडिया में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, बेसिकली आगे भी इतना नहीं था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, और बंगाल का जब पार्टीशन हो रहा था तब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, लेकिन जो ये हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है ना, जो मेन मतलब हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई है, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से हुई है। ये जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है ये नतीजा ब्रिटिशर्स का है, और ब्रिटिशर्स के बाद ये हुआ था बेसिकली, वरना मुस्लिमों ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं देखा था। हाँ, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है थोड़ा रहा था डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अकबर के टाइम तक आते आते चीज़ें काफ़ी सेटल होने लग गई थी, और बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। राजा लोग अगर लड़ भी रहे थे तो कॉमन लोगों के मन में ना इतना भेदभाव नहीं है, तो एक जो है टॉलरेंट नेचर था इनका। आप देखेंगे कि जो अकबर हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कई सारे हिंदुओं को जो है जगह दी थी, और अकबर ने एक मंदिर भी बनवाया था वृंदावन में। और आप देखो जाकि जबकि बाकी मुस्लिम रूलर्स के बारे में हम यही सुनते हैं कि इन्होंने मंदिर तोड़वाए थे, ये किया था, वो किया था, लेकिन अकबर ने एक्चुअली मंदिर भी बनवाया था। तो वन बाय वन ऑल राजपूत स्टेट सबमिटेड टू अकबर, हर किसी ने अकबर से दोस्ती कर ली, उसके सामने सर झुका लिया था धीरे धीरे, और सबको लगने लग गया था कि अकबर से लड़ना जो है कोई समझदारी की बात नहीं है। इस समय में जो पोर्तुगीज है वो इंडिया आ चुके थे और बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी, ठीक है। लेकिन जो राणाज थे ना मेवाड़ के, राणाज ऑफ मेवाड़, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, अभी भी वो अकबर के सामने जो है सर नहीं झुका रहे थे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी,
तो महाराणा प्रताप ने बोला कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई। तो राणा प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप सिंह आप कहिए, ये जो है ये लड़ते हैं, लेकिन इनकी आर्मी इसमें हार जाती है और मुगल आर्मी को इस टाइम में लीड कर रहे थे मान सिंह। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी मुगल आर्मी को अकबर नहीं लीड कर रहे हैं, और कहा जाता है कि कई बार अकबर और महाराणा प्रताप की ना जो है मुलाकात भी हुई थी, और अनजाने में कई बार वो लोग एक दूसरे के सामने आए थे, एक दूसरे के साथ बैठे थे, एक दूसरे के साथ उनका इंट्रैक्शन भी हुआ था। तो बहुत बार ये चीज़ जो है हिस्टोरिकली अलग अलग चीज़ों में हमें देखने को मिलती थी। खैर जो भी हो, मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे इस टाइम में, तो आप देख सकते हैं अकबर खुद जो है नहीं जा रहे हैं। लाइक अकबर जानते थे कि मैं खुद नहीं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, उनको नहीं था कि मैं राजपूतों के खिलाफ कुछ भी करूँ, कहीं से भी राजपूतों को भड़काना नहीं चाहते थे। तो 1576 में ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जो मेवाड़ को डिफीट मिली, ये बहुत बड़ी डिफीट थी। इसके बाद तो जो बचे कुचे कोई थोड़े बहुत जो राजपूत रूलर्स थे, उन लोगों ने भी सबमिट कर लिया, क्योंकि सबने समझ लिया कि भाई जब मेवाड़ जो है वो उसकी आर्मी जो है हार सकती है, तो फिर अब जो है अच्छा है कि अकबर की सुजरांटी को एक्सेप्ट कर लो। और अकबर की ये राजपूत पॉलिसी कंबाइंड है जिसमें कि रिलीजियस टॉलरेंस भी है, और पिलग्रिम टैक्स जो था जजिया का वो अबॉलिश कर दिया गया था। कहा गया था कि कोई पिलग्रिम टैक्स नहीं लगेगा, कोई जजिया नहीं लगेगा। तो जजिया क्या होता है कि या तो तुम मुस्लिम बन जाओ या तो टैक्स दो। तो जो भी हिंदू होंगे या जो भी नॉन मुस्लिम लोग होंगे जो कि मुस्लिम नहीं हैं, जो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो या तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या तो टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको जजिया कहते थे। और पिलग्रिम टैक्स जो है वो दार्शनिक स्थल जो कि हिंदुओं के हैं वहाँ पर लगाया जाता था। तो ये टैक्सेस अकबर ने हटा दिए थे। अकबर ने बोला कि जिसको जो धर्म मानना है मानने दो, किसी को किसी के ऊपर जो है प्रेशराइज नहीं करना है। और अकबर की राजपूत पॉलिसी बढ़िया रही अकबर के लिए और राजपूतों के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पीस रही, ओवरऑल पीस मैनेजमेंट हो गया इंडिया में, यूनिटी रही इंडिया के अंदर, और एक अच्छा स्ट्रांग पोजीशन रही। तो इस तरीके से यूनिटी की एक्चुअली इंडिया को ज़रूरत भी थी, एक स्टेबल पॉलिटी की ज़रूरत थी। 1575 में इन्होंने इबादत खाना का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसे हम हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं, और ये इनकी नई कैपिटल फतेहपुर सिकरी में हुआ था। एक्चुअली अकबर बहुत परेशान थे, इनको कोई संतान नहीं हो रही थी, जबकि इनकी कई सारी रानियां थीं लेकिन इनको संतान नहीं हो रही थी। तो आखिर इन्होंने जो है जहांगीर जो है इनके जो बेटे हैं उनका फिर जन्म होता है, तो उसी खुशी में इन्होंने ये नई कैपिटल रखवाई थी, और इनको जो है एक सूफी संत का आशीर्वाद मिला था ऐसा कहा जाता है। तो अकबर ने जो है कई सारे लर्न स्कॉलर्स को, अलग अलग धर्म से जो जुड़े हुए रिलीजियस टीचर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनको बुलाया था, और वो इबादत खाना में सबसे मिलते थे, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोएस्ट्रिज्म, हर प्रकार के धर्म के लोगों से इनका वार्तालाप होता था। और इसका नतीजा ये रहा कि इन्होंने मिला जुला करके एक नया धर्म बनाया था जिसे हम दीने इलाही कहते हैं। तो मैं आपको दीने इलाही के बारे में भी बताऊंगी। हालांकि अकबर को कभी भी रिलीजियस मैटर्स को जो है पॉलिटी में घुसाना पसंद नहीं था, वो अपने रिलीजन को और पॉलिटी को हमेशा अलग रखना चाहते थे। उनको इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुस्लिम उलेमास का, जो मुस्लिम उलेमा बार बार इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिकल मैटर में या अलग अलग प्रकार के मैटर्स में, वो चीज़ जो है बिल्कुल भी अकबर पसंद नहीं करते थे। 1579 में इन्होंने जो है एक चीज़ शुरू की थी, इनफेलिबिलिटी डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो रिलीजियस पावर्स हैं उसको लेकर के इन्होंने दिखाया कि देखो मैं सारे रिलीजियस पावर्स के बीच में जो है एक शांति चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है रिस्पेक्टफुल नेचर से रहें, टॉलरेंट रहें। 1582 में इन्होंने जो है ये दीन इलाही का नया धर्म शुरू किया, जिसके अंदर एक गॉड, एक सिंगल भगवान को मानने की बात होती थी, और इन्होंने हर एक रिलीजन से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पे लिया, और ये बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल काइंड ऑफ नया धर्म था, जिसमें कि कोई ढकोसला नहीं है, कोई जो है अलग अलग प्रकार के कर्म कांड नहीं करने हैं आपको इसमें। मतलब इनका ये था कि जो अलग अलग धर्म है सब अल्टीमेटली एक ही बात कह रहे हैं, तो जो बेस्ट है, जो कॉमन चीज़ें, उसको मिला करके इन्होंने ये नया धर्म बनाया था। और ये चाहते थे कि जो एक दरार पड़ गई है ना अलग अलग धर्मों के बीच में, जो दूरियां हैं, उन दूरियों को ख़त्म किया जाए।
तो बेसिकली ये ना चाहते थे कि सब लोग मिलजुल करके रहें, वो दूरियां ना रहें, वो जो एक गल्फ है वो गल्फ को ये ब्रिज करना चाहते थे। हालांकि उनका ये नया धर्म चला नहीं है, फिजल आउट हो गया, क्योंकि जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर कोई इसको अपनाता नहीं है और कोई इसको इतना आगे लेकर के चलता नहीं है। बहुत ही कम, मतलब केवल 15 ही इसके फॉलोअर थे, खुद बीरबल थे, अकबर थे, कुछ इनके कोर्ट के लोग थे, ज़्यादा लोगों ने इसको फॉलो किया नहीं। अकबर ने कभी किसी को कंपेल भी नहीं किया कि तुम इस धर्म को फॉलो करो, दीने ही है, ये नया धर्म है, इसका कोई इन्होंने प्रमोशन प्रोपोगेशन कभी किया भी नहीं। मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि जो अशोका थे, अशोका द ग्रेट, उनको आप देखते हैं कि जो है वो बहुत प्रमोशन करते थे अपने धर्म का, धम्म का बहुत प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अशोका ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया, सॉरी, अशोका तो काफ़ी कर रहे थे, अशोका के तो पिलर एडिक्ट्स में, रॉक एडिक्ट्स में, सब जगह हमें देखने को मिलता है, लेकिन अकबर को इतना इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अकबर को आप देखोगे कहीं ना वो किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करवा के जो है करना पसंद नहीं करते थे। अकबर का था कि भाई किसी को मानना है तो मानो, नहीं मानना नहीं मानो, मतलब ये हर चीज़ में ऐसे ही थे, चाहे कुछ भी हो, ये ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर बनाना पसंद नहीं कर रहे थे। अकबर ने कुछ एक्सपेरिमेंट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी किए थे, और इसमें इनको जो है हेल्प की थी राजा टोडरमल ने, ये इनके ना रेवेन्यू ऑफिसर थे बेसिकली। तो इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अकबर का, इसको जब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो रेवेन्यू है वो फिक्स था ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड, और इसमें जो बेसिस था वो पास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पे ये असेसमेंट किया गया था। तो इसमें क्या था कि जो लैंड है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, पोलज जो कि हर साल कल्टिवेट होगा, कल्टिवेटेड एवरी ईयर, परौती वंस इन 2 ईयर जो कि साल 2 साल में एक बार कल्टिवेट किया जाएगा, चाचर वन वंस इन 3 और 4 ईयर्स, बंजर जो कि वंस इन 5 और मोर ईयर्स होगा। तो जो पेमेंट होती थी रेवेन्यू की वो जनरली कैश में की जाती थी। तो ऐसे करके इन्होंने हर एक जो है लैंड को कैटेगरी में बांट दिया था, जैसे कि शेरशाह सूरी ने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था ना, वैसे ही इन्होंने भी किया था, ताकि मतलब पता चले कि किस लैंड से कितना मतलब प्रोडक्शन आ रहा है। जिस लैंड से जितनी प्रोडक्शन आ रही है, जिस लैंड से जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, उस लैंड से हम उतना ही ज़्यादा टैक्स लेंगे, ये मतलब अकबर का मानना था। इस तरीके से ये चल रहे थे। इनका एक मनसबदारी सिस्टम भी था, ये मतलब मैं लास्ट एक मनसबदारी सिस्टम आपको पढ़ा देती हूँ, और फिर बाकी जो जहांगीर से जो बाकी की स्टोरी है ना, जो जहांगीर का काम रहा और उन्होंने जो जो चीज़ें की, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, ठीक है? तो जहांगीर और औरंगजेब एंड देन लेटर मुगल्स और बाकी सब चीज़ें हम लोग कल कवर कर लेंगे, अभी हम लोग मनसबदारी का भी अभी का जो है ये इतना कवर कर लेते हैं। तो अकबर जो है इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसमें क्या है हर एक ऑफिसर को ना रैंक दी जाती थी, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वैसे उनको रैंक मिलती है, यहाँ पे भी इनको रैंक मिलती है, रैंक मतलब मनसब। तो सबसे जो कम रैंक है वो थी 10, सबसे जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी 5000, ठीक है? नोबल्स के लिए ये रैंक हुआ करती थी, और जो रॉयल ब्लड के प्रिंसेस होते थे ना, यानी कि जो कि मतलब ताल्लुकात होता था जिनका राजघराने से, तो राजघराने वाले जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, उनको हमेशा ऊंची रैंक दी जाती थी। तो मतलब जाहिर सी बात है थोड़ा नेपोटिज्म तो होता ही था इन सब चीज़ों में, तो वो यहाँ पे भी है थोड़ा सा। और आप ये देखेंगे कि जो रैंक्स है वो 2 तरीके की होती थी, एक होती थी जात और एक होती थी सवर। जात क्या है एक्चुअली, वो एक पर्सनल स्टेटस है कि किसी इंसान की कितनी ऊपर की जात है, मतलब वो कितना ऊपर उसका स्टेटस है। और जो सवार है ये होता था कि भाई किसी को कितने घोड़े मेंटेन करने हैं, कितने घुड़सवार उसको रखने होंगे। तो जो जो है हर एक मतलब बंदे को ना कम से कम मिनिमम 2 घोड़े तो रखने ही होते थे। हालांकि ये जो घोड़े हैं जो मेंटेन करने हैं वो 2 हॉर्सेस होंगे, और ये मनसब की रैंक हेरिडिटरी नहीं होती थी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मनसबदार बन गया तो उसी का बेटा अगली बार मनसबदार बनेगा, फिर उसका ही बेटा अगली बार मनसबदार बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। मनसब की रैंक जो है वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, प्रमोशंस होते थे या डिसमिसल होते थे, वो डायरेक्टली खुद एम्प्रर के हाथों होते थे, यानी कि खुद जो अकबर थे, बादशाह थे, वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई उनको क्या प्रमोशन करना है, किसको हटाना है, किसको क्या देना है, ठीक है? तो ये कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होती थी। तो दिस वॉज नोन एज मनसबदारी सिस्टम।
ओके, इसके बाद की जो सारी कहानी है वो हम करेंगे कल, ठीक है? तो टुमारो अगेन 6 PM वी विल मीट, एंड जो लास्ट पार्ट है वो हम कवर करेंगे, फिर हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। तो हमारा ये कोर्स अब ख़त्म होने ही वाला है, अब इसमें ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, ठीक है? बहुत जल्द हम लोग ख़त्म करेंगे। और आपको बताना चाहूँगी गाइस कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड है RT10, ठीक है? दिस इज़ माई रेफरल कोड RT10, तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, EEE10, ठीक है? तो EEE10, तो ये मेरा रेफरल कोड है RT10, ये आपको यूज़ करना है, EEE10। ये आप यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में, और साथ ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जो कि आप कोई भी प्लस क्लासेस देख सकते हो फिर, किसी भी एजुकेटर की, किसी भी बैच की। न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं मंडे से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है गाइज, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क बताइए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई भी अगर दिक्कत है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए गाइज, प्लीज़ सपोर्ट अस, ओके ठीक है? तो मैं देख सकती हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एंड ठीक है, कोई डाउट तो दिख नहीं रहा है गाइज मुझे। थैंक यू सो मच गाइज, देन नो डाउट्स आर देयर, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? चलिए फिर आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, कोई डाउट्स भी नहीं है अब, तो फिर मिलेंगे कल हम अगेन 6 PM। मैं डेली 6 PM लाइव आती हूँ, आपको पता ही है, 6 बजे हर दिन, मतलब हर शाम को 6 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो अगेन मैं आपको 6 PM मिलूँगी अगली क्लास में, 6 PM अगेन। और कोई डाउट होता है तो आप लोग फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं मतलब आपके कॉमेंट्स देख रही हूँ, इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है गाइज, आई सी दैट देर आर नो डाउट्स नाउ, सो आई एंड द सेशन हियर, सी यू गाइज देन, टेक केयर, बाय बाय।